जय श्री अमरनाथ। आप सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि बाबा जी की यात्रा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। आइए आप लोगों को ऑनलाइन यात्रा परमिट हासिल करने के बारे में कुछ अहम जानकारी देने की जहमत करें। सबसे पहले आप अपने वेब ब्राउजर में श्राइन बोर्ड की वेबसाइट का लिंक यानी www.श्रीअमरनाथजीश्राइन.com एंटर करेंगे। लिंक ओपन हो जाने के बाद आपको होम पेज पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑनलाइन टैब नजर आएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको लॉगिन करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके वेब पेज पर स्टेप्स टू फॉलो चार्ट दिखाई देगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन की तमाम स्टेप्स की मालूमात दी जाएगी। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म सबमिट होने के बाद OTP के जरिए आपकी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन होगी, जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। पेमेंट अदा करने पर आप अपनी यात्रा परमिट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा श्राइन बोर्ड की तरफ से पूरे देश भर में तकरीबन 442 बैंक की ब्रांचेस को एप्लीकेशन फाइल करने के लिए चुना गया है। यात्री फॉर्म को साफ अल्फाजों में भरकर जमा करने के बाद बैंक की तरफ से रिसीट लेंगे, जो यात्रा करते वक्त आपके पास होना जरूरी है। ऑनलाइन और बैंक ब्रांच में एप्लीकेशन फाइल करते वक्त आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर्म भरते वक्त ख्याल रखें कि आप वही रूट लिखें जहां से आपने यात्रा का सफर करना है। एक अहम जानकारी, RFID टैग यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का होना निहायती जरूरी है, जो आपको श्रीनगर एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर दस्तियाब मिलेगा। ये टैग काफी फायदेमंद पर मबनी है, जिसके बगैर आपको यात्रा में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपका डॉक्टर से CHC यानी कंप्लीट हेल्थ सर्टिफिकेट का होना बेहद जरूरी है। हम इसी तरह आपको यात्रा के बारे में रोशनास करेंगे।